IDTV presents पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति व्यापारियों की श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के भारत व्यापार बंद आह्वान में भाग लेते हुए आज दिल्ली सहित देश भर के लगभग 7 करोड़ व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद रखा और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के प्रति उनकी कुर्बानी को याद किया। राजधानी में आज फिर बारिश दस्तक दे सकती है। शाम के समय गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 3 दिन बाद फिर से ओलावृष्टि हो सकती है। भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुए। सेना ने 14 फरवरी को पुलवामा के केरीपुक की बस पर हुए आत्मघाती हमले के जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के 2 कमांडरों को ढेर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत गंभीर खतरा है और आतंकवादियों और उनके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकना भी आतंकवाद को बढ़ावा देना है। राजस्थान के जयपुर में शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज पूरा देश 45 शहीद जवानों के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मांस निर्यात के लिए पशुओं के वध को प्रतिबंधित करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया है कि मांस निर्यात के लिए जानवरों को मारा जाना पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के खिलाफ है। दिल्ली की एक अदालत ने आज एयरसेल मैक्सिस सौदे मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 8 मार्च तक बढ़ा दी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके द्वारा बार बार निशाना साधने के लिए कहा कि देश का चौकीदार प्योर है, चोर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करने संबंधी मीडिया को दिए गए केंद्र के परामर्श को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। ये है DID में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।